महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर धनबाद जिला यूथ कांग्रेस के द्वारा धनबाद के बैंक मोड़ से कंबाइंड बिल्डिंग तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव ने किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष रविंदर वर्मा, अशोक सिंह, अभिजीत राज समेत सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए अशोक सिंह ने कहा कि राष्ट्रभक्ति का दिखावा करते हुए कुछ पार्टियों के द्वारा महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धांजलि का झूठा दिखावा किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में गांधी जी को कांग्रेसी सम्मान देती है और उनके जयंती के मौके पर वर्तमान सरकार के खिलाफ कांग्रेस एक विशाल जन आंदोलन खड़ा करने जा रही है, जो वर्तमान सरकार को नस्ते नाबूद कर देगी। कांग्रेस ने तो व्यापक रूप से जलाने का घोषणा किया हुआ है। इस क्रम में युवा कांग्रेस धनबाद द्वारा ये वेबसाइट चली करके गांधी चौक और 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 मीटर लंबे तिरंगे को लेकर के हमारे युवा कांग्रेस के गांधी द्वारा पैदल आए हैं और ये संदेश जा रही है। आज राष्ट्र जो गांधी को भी अध्यक्ष किए हुए हैं, गांधी के विचारों पर चलने की बात नहीं करते, वैसे जो गांधी को गोली मारने वाले गोडसे के रिवाल्वर की नीलामी की बात करते वैसे लोग आज महात्मा गांधी को दिखाने के रूप में हेलो, लेकिन ये कांग्रेस परिवार की तरफ से आज तरीके से मनाया जा रहा है और कल रांची में हमारे प्रदेश के प्रभारी आरपीएफ के नेतृत्व में एक विशाल पद यात्रा का आयोजन किया गया है। धनबाद के जिले कांग्रेस की है, कल वहाँ शामिल होंगे और कल तारीख को वही प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव ने कहा कि कांग्रेस में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। देश में हर एक व्यक्ति के विकास के बारे में सोचने का काम सिर्फ कांग्रेस करती है, न कि नाथूराम गोडसे की रिवाल्वर नीलामी करने वाले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा 2 अक्टूबर के दिन रांची में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें धनबाद के तमाम कांग्रेसी नेता शिरकत करेंगे। जिन लोगों की मंशा थी उन्होंने बापू के शरीर पे तो गोली चला दी, पर बापू की सोच पे और बापू की आत्मा पे गोली नहीं चली। तो बापू की जो सोच थी कि ये देश हमारा है, इस देश के देशवासी हमारे हैं, भारत माता की जय तब तक नहीं हो सकती जब तक भारत में बसे हर व्यक्ति की जय ना हो, जब तक हर व्यक्ति के आँखों से आंसू ना पोंछ दिया जाए, तो वही संदेश लोगों के बीच फैलाने की कोशिश है। और बापू के जो हत्यारे जो अभी तक जिंदा हैं, जो उनकी हत्या करने वाले जिन लोगों ने उनकी हत्या की, उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि गोली बंदूक से देश की आत्मा को आप नहीं जीत सकते, देश के प्यार को आप नहीं जीत सकते। तो अमन चैन का संदेश दीजिए और सबको साथ लेकर के सबका विकास करें। देखिए जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बात है तो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि हर क्षेत्र, चाहे वो कोल्हान हो, चाहे वो कोयलांचल हो, चाहे वो संथाल हो, कांग्रेस और यूपीए की स्थिति बहुत मजबूत है। और जैसे जैसे हरकतें ये रघुवर सरकार कर रही कि भैया आप जाएं तो स्कूल्स बंद कर दे रही हैं, आप जाएं तो 3,000 4,000 का चालान काट रही है, लोगों के दुख दर्द से इन्हें कोई लेना देना नहीं रहे, दर्द है लोगों को। आप मुख्यमंत्री महोदय अगर खुद बोले कि इंजीनियरिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है, PhD करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्या कर लोगे, डिग्री को फेंक दो, हुनर नहीं है तुम्हारे हाथ में, तो अगर इंजीनियर के हाथ में हुनर नहीं है तो किसके हाथ में, तो लोग
सरकार अपना तानाशाही रवैया चला रही है कि भैया मुझे तो जो ठीक लगेगा मैं वही करूँ। इससे जनता बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, दिल में पीड़ा है, वो पीड़ा सिर्फ और सिर्फ सरकार। वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष रविंदर वर्मा ने हमारे संवाददाता से बातें की। पूरा देश खास करके जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी है पूरे देश में पूरा राष्ट्र 150वीं जयंती बापू का मना रहा है और हम लोग 150वीं जयंती के पूर्व संध्या पर आज युवा कांग्रेस के नेतृत्व में बैंक मोड़ दिए भी इस मैदान से 150 मीटर तिरंगे यात्रा के साथ में हम लोगों ने आज सद्भाव यात्रा निकाला है। इस यात्रा का संदेश हम लोग दे रहे हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो बापू का संदेश है वो प्रासंगिक है और हम लोग उसी आज तिरंगा यात्रा में संदेश दे रहे हैं कि आज बापू के उन सारे संदेशों को अक्षर से पालन करने की आवश्यकता आज देश को आ पड़ी है। जिस प्रकार आज छठ में बापू समर्थक लोग आज देश में बापू की जयंती मनाने की बात कर रहे हैं, जो लोग बापू के हत्यारे हैं, जो हत्यारे का मंदिर मनाते हैं, जो हत्यारे का बंदूक नीलामी की बात करते हैं, वैसे लोग बापू को आज जयंती मना करके सिर्फ किसी न किसी तरीके से आज उनकी सारी खोखले बातें सब फेल हो चुका है। बापू का संदेश प्रासंगिक है, इसलिए वो हार फैल करके बापू की जयंती मनाने का वैसे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन असली बापू की जो संदेश था अहिंसा का जो उन्होंने संदेश दिया, जिस प्रकार बापू ने पूरे देश में घूम घूम कर पदयात्रा करके लोगों को जागरूक किया और अंग्रेजों को भगाया, आज उसी प्रकार इस तिरंगा यात्रा का संदेश हम लोग लोगों के बीच लेके जा रहे हैं। और वो जो छात्र जो उस समय में अंग्रेजों की दलाली करते थे और आज वैसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको भी इस पदयात्रा शुरू करके इनको भगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने। वहीं इस तिरंगा यात्रा के बारे में कांग्रेस नेता अभिजीत राज ने भी बताया। क्या कुछ रैली का कार्यक्रम था और क्या कुछ संदेश था उसका तिरंगा यात्रा में? देखिए, गांधी जी का 150 वर्ष पूरा हुआ है। इस 150 वर्ष को पूरा होने पर हम लोग, चूँकि गांधी जी कोई व्यक्ति ने एक विचार थे और उनको सेलिब्रेट करने का कोई दिन होता नहीं था, लेकिन फिर भी चूँकि गांधी जी एक आइडल है इस देश के लिए, तो उनका जो 150 वर्ष पूरा हो रहा था इस पर हम लोगों ने एक 150 मीटर तिरंगा राष्ट्र का लेकर डीएवी मैदान से कंबाइंड बिल्डिंग तक आए थे, लोगों के बीच में यह संदेश देने के लिए कि जो हमारा देश का स्वरूप है वो सत्य अहिंसा और भाईचारे पर जो है बना हुआ एक मूल स्वरूप है। और कहीं ना कहीं इस देश के अंदर में जिस तरीका से गांधी के ऊपर प्रहार हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं इस देश के अमन चैन पसंद लोग जो इस देश को, इस राष्ट्र को विकसित किए हैं और इस देश को कहीं ना कहीं देश के बहुत ही मजबूत स्तंभ पर ले जाने का काम किया, वो तमाम लोग आज बिखरी का दुखी हैं कि आज ढोंगी पखंडी और ऐसे लोग जो इस देश के इतिहास को जानते भी नहीं हैं वो उसको तोड़ मरोड़ के और तलवार बंदूक और हत्या के बल पर स्थापित करना चाहते हैं, इसके भी खिलाफ में आज युवा कांग्रेस पूरे कांग्रेस पार्टी के साथ 5 किलोमीटर का पदयात्रा किया और लोगों के बीच में यह संदेश दिया कि आज भी गांधी जो है हमारे बीच जिंदा हैं, गांधी के विचार हमारे बीच जिंदा है, गांधी के मूर्ति को तोड़ देने से और गांधी के मूर्ति को कहीं पर स्थापित न होने देने से कुछ नहीं होता, गांधी हमारे दिल में है, गांधी इस देश के दिलों में राज करने वाले व्यक्ति हैं और गांधी को भूला नहीं जा सकता है और गांधी के बिना यह देश अधूरा है।